समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या है इसका उद्देश्य। इसको बेहतर आप ही लोग बता सकते हैं, मीडिया ही के लोग बता सकते हैं कि इतना हवा बनाने की क्या आवश्यकता है, इतनी जल्दीबाजी क्या है। हमको नहीं लगता है कि उतना आवश्यक अभी है यह मुद्दा। अभी तो महंगाई, बेरोजगारी, इन सब बातों पर भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो रही है। जब आएगा वक्त उसके पहले निश्चित रूप से सीट शेयरिंग का पूरा निर्णय हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम सदंजन, आप देख रहे हैं न्यूज़24। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जहानाबाद से सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद हैं। 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है। सुशील कुमार मोदी जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने कहा है, लोगों से अपील किया है कि 5 दिया जलाएं और दिवाली मनाएं। जो विरोधी हैं, जो नकारात्मक में राम के विरुद्ध जो नकारात्मक में फैला हुआ है, उनका दूर हो जाए। देखिए, राम सबके राम है, पूरे देश के जितने भी अनुयायी हैं और जो भी उनके मानने वाले हैं, सब लोग का आस्था उनमें है। और बीजेपी जिस तरह से इसको प्रोजेक्ट कर रही है, इस 22 तारीख के डेट को, आप न्यूज़ में आप ही लोग देख रहे होंगे कि अभी मंदिर का निर्माण पूरा भी नहीं हुआ है और आनन फानन में मंदिर का, रामलला का मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है। हम लोगों को भी श्रद्धा है, हम लोग भी उनके प्रति नमन करते हैं, राम के प्रति, और इसमें कहीं कोई विरोध नहीं है। हर व्यक्ति उनके प्रति आस्था रखता है और इसमें बीजेपी सिर्फ इसको हवा बना करके, मतलब इस कदर पेश कर रही है, सारे मीडिया इसमें लगे हुए हैं। अब ये समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या है इसका उद्देश्य। इसको बेहतर आप ही लोग बता सकते हैं, मीडिया ही के लोग बता सकते हैं कि इतना हवा बनाने की क्या आवश्यकता है, इतनी जल्दीबाजी क्या है। और रह गया बात हम लोगों को मानने का, तो हम लोग एकदम राम जी के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण नीतीश कुमार को मिला है, क्या मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं 22 तारीख को? अब देखिए, ये प्रश्न तो हम नहीं बता सकते हैं, उसका उत्तर हम नहीं दे सकते हैं। इसका उत्तर तो न हमको पता है कि उनको निमंत्रण मिला है कि नहीं मिला है, हमको यह भी नहीं पता है कि उनका क्या निर्णय है, इसलिए हम इस पर कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। सीट शेयरिंग को लेकर बैठकें का दौर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये लोग चुनाव तक बैठक ही करते रहेंगे, ना ये लोग संयोजक, ना ये लोग सीट बंटवारा कर पाएंगे। देखिए, सीट शेयरिंग का जो दायित्व है वो उच्च स्तरीय नेताओं के बीच में होना है, इसलिए उस पर बात चल रही है। अभी कोई बहुत जल्दीबाजी नहीं है। यह भी मुद्दा जो है मीडिया के द्वारा जितना ज़्यादा प्रचारित किया जा रहा है, इस पर जितना डिस्कशन हो रहा है, उतना अभी हमको नहीं लगता है कि उतना आवश्यक अभी है यह मुद्दा। अभी तो महंगाई, बेरोजगारी, इन सब बातों पर भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो रही है। जब आएगा वक्त उसके पहले निश्चित रूप से सीट शेयरिंग का पूरा निर्णय हो जाएगा। क्या सीट को लेकर आपस में विपक्षी दल का तालमेल नहीं बैठ पा रही है? देखिए, तालमेल नहीं बैठ पा रही है, इसका निर्णय आप और हम कैसे कर सकते हैं? वो तो समय बताएगा ना, जिस समय चुनाव आएगा, चुनाव का नोटिफिकेशन होगा, उस टाइम में लोग अपने अपने सीट के बारे में बातचीत करेंगे और निर्णय लेंगे। आप सुन रहे थे जहानाबाद से सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद को। सत्ता के हुक्मरानों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए, बाकी सिलसिला चलता रहेगा। आपकी बारी, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और देखते रहिए एक न्यूज़24। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदंजी पटना।